हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं, आज तो एक वैसे छुट्टी का दिन है, 23 मार्च का दिन है, ठीक है। और जाहिर बात है घरों में सब जेंट्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया को छुट्टी है इस टाइम पर। तो आज मेरे मियाँ साहब ने कहा कि यखनी पुलाव खाना है, तो आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, और साथ में बना रही हूँ पकोड़े, और साथ में दही भले फ्रूट चाट। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हम यखनी बनाने के लिए हम ये सारा सामान ले रहे हैं। यखनी के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब आप यखनी बनाने लगेंगे तो उसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। ये अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इतना सा हम बाद में ग्राइंड कर लेंगे। और हरी मिर्चें, किसी को पुलाव में मिर्चें कम पसंद होती हैं और किसी को ज़्यादा, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसी रखनी है, आप उसके मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। यखनी में हमने डालने के लिए ज़ीरा, नमक, ठीक है, काली मिर्च और ये डालेंगे हम दालचीनी। अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे यखनी के लिए, अब ये हम आलू की कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारे आलू जल्दी से कट जाएं और इनकी शेप भी सही रहे। ये हम दही भड़ों के लिए आलू काट रहे हैं। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे ताकि हमारे आलू जल्दी से गल जाए। अब पकौड़ों के लिए हम प्याज काटेंगे, ये आलू काटेंगे बारीक बारीक। ये हम दही भल्लों के लिए जो है ना बंद गोभी काट रहे हैं, इसमें हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्च और टमाटर, साथ साथ कटिंग कर रही हूँ मैं। ये हम दही भल्लों की कटिंग कर रहे हैं। ये अब हम इसमें धनिया डालेंगे। कुछ लोग पकौड़ों में पालक भी डालते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है, आप धनिया डाल लें ज़्यादा सारा या पालक डाल लें। अब हम इसमें अनारदाना डालेंगे और ये पकौड़ों में बड़ा ही मज़ेदार लगता है। अब हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे साबुत और इसको हाथ से ऐसे मसल लेंगे अच्छे से, आधी चम्मच गरम मसाले की। एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, और एक चम्मच हम नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत। आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आलू का ना अपना पानी भी होता है, तो उसके बाद हम दूसरा पानी भी इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना आप डाल लें, थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम डालेंगे अपने पकोड़े।
अभी हम ये चीज़ें फ्रिज में रख रहे हैं, जो यहाँ पे ज़रूरत की अफ्तारी की चीज़ें हैं वो हम समेट रहे हैं, और बाकी साथ साथ अपनी सफाई भी कर रहे हैं। नीट काम। अब हम इसमें ये सारा मिक्सचर डाल देंगे जो हमने तैयार किया हुआ था इसके लिए। माशाल्लाह से हमारे पकौड़े तैयार हैं, ज़बरदस्त क्रिस्पी एंड यमी। ये देखें, ये चम्मच से आप बड़े अच्छे से डाल सकते हैं। कुछ लोग ना पकौड़े हाथों से भी डालना पसंद करते हैं, तो ये मैं आपको एक तरतीब दे रही हूँ कि आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये अब हम साथ साथ जो है नीट भी कर रहे हैं ताकि सफाई से सब कुछ हो जाए। हाफ चम्मच नमक, गरम मसाला हाफ चम्मच, ज़ीरा, लाल मिर्च हसबे ज़रूरत हाफ चम्मच काफ़ी है। करेंगे अच्छे से, हम साथ साथ मिक्स कर रहे हैं इसको अपने आलू के लिए, और बहुत यमी बनते हैं। अब हम इसमें आलू के कटलेट्स डालेंगे। ये ना मेरी अम्मी को बड़ी पसंद है आलू के कटलेट्स, वो आज कह रहे पेड़ बना ला, मैं पेड़ बना रही हूँ। ये देखें कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। ये चाट मसाला हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। डालेंगे चाट मसाला चीनी को मैश करके पानी में, आप ऐसे डाल दें और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। आफ्टर इफ्तार टाइम, अब हम इस यखनी में ये चिकन डाल रहे हैं पुलाव के लिए। यखनी पुलाव है ये। अब हमने इसमें प्याज कटिंग किया और अब हम पुलाव के लिए इसमें 3 चम्मच डालते हैं ऑयल के।
अब हम इसमें 4-5 हरी मिर्चें लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये वो मिसाले हैं जो मैंने आपको पहले दिखा दिए थे, और अब मैं इसमें डाल के चौके से रोल कर लूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसमें हमने सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड किया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, हम इसमें यखनी डालेंगे, आधा किलो हमारे चावल है, अब हम रायते के लिए सामान थोड़ा सा बना रहे हैं, प्याज छोटी छोटी काटेंगे रायते के लिए। अपना हम इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे रायते के लिए। अब ये हम इसमें सारा डाल देंगे। थोड़ा सा हम ये पुदीना लेंगे और इसमें कटिंग करेंगे इसकी, ये वॉश किया हुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, ये आधा किलो चावल है हमारे, पर हमने इसको 2 घंटे से भिगोया हुआ है, ये भीगे हुए हैं। इसमें ये हम हल्की सी काली मिर्च डालेंगे हसबे ज़रूरत, और इसको मिक्स कर लेंगे।
और ये हमारा रायता तैयार है यखनी पुलाव के लिए। ये मैं साथ साथ मीट कर रही हूँ। यखनी पुलाव में वैसे तो ज़रदा रंग काफ़ी लोग नहीं डालते, पर मेरे मियाँ साहब को अच्छा लगता है, तो उनकी वजह से। अभी हम पुदीना इसमें डालेंगे, इसको ऐसे कवर कर देंगे। अब ये दम पे है, ने ये दम लगाया था 15 मिनट, ठीक है। और अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह से। ये अपनी पुलाव देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। अब हम इसको डालते हैं एक प्लेट में और ये देखेंगे एक एक चावल अलग हुआ है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स पास कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।